सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लफ्जों के रंग को और न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सेंटा वैसे तो एक काल्पनिक किरदार है, पर अगर ऐसा हो कि इस साल हम सबके जीवन में अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ और ढेरों खुशियों के पैकेट लिए सेंटा क्लॉज हर दिन हमारी चौखट पर आए और ढेरों खुशियों के पोटलियां हमारे घर आंगन छोड़ के जाए। मगर क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस 25 को ही क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस का आरंभ करीबन 4वीं सदी में हुआ था। इससे पहले यीशु के अनुयायी उनके जन्म दिवस को त्यौहार के रूप में नहीं मनाते थे। यीशु के पैदा होने और मरने के सैकड़ों साल बाद जाकर कई लोगों ने 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाना शुरू किया। मगर इस तारीख को यीशु का जन्म नहीं हुआ था, वे तो अक्टूबर में पैदा हुए थे, दिसंबर में नहीं। इस दिन रोम के कुछ अन्य धर्म के लोग अजय सूर्य का जन्मदिन मनाते थे और क्रिश्चियन चाहते थे कि यीशु का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाए। सर्दियों के मौसम में जब सूरज की गर्मी कम हो जाती है तो अन्य धर्म के लोग इसी इरादे से पूजा पाठ करते थे और रीति रस्म मनाते थे और सूरज अपनी लंबी यात्रा से लौट आए और उन्हें दोबारा गर्मी और रोशनी दे। ऐसा उनका मानना था कि दिसंबर 25 को सूरज लौटना शुरू करते हैं और इसी वजह से वो इसे त्यौहार के रूप में मनाया करते थे। धीरे धीरे कई धर्म के लोग भी इस दिवस को त्यौहार के रूप में मनाने लगे और क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने लगे। क्रिसमस से जुड़ी और कुछ खास परंपराएं हैं, जैसे कि साल के आखिर में आने वाला ये त्यौहार खुशियां लेकर आता है और इसे ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी इससे जुड़ी बात है सेंटा क्लॉज, सेंटा निकोलस। सेंटा निकोलस को बच्चे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वे बच्चों को, गरीबों को इस दिन गिफ्ट बांटते थे। सेंटा निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। बचपन में माता पिता के देहांत के बाद निकोल को सिर्फ भगवान जीसस पर ही यकीन था। सेंटा निकोलस ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया था। वे एक प्रीस्ट बने। उन्हें लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। वे गरीब बच्चों को और लोगों को गिफ्ट दिया करते थे। निकोलस को इसलिए सेंटा मतलब संत कहा जाता है क्योंकि वे अर्धरात्रि को गिफ्ट दिया करते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें देखे और उन्हें पहचाने। इसलिए आज भी लोग सेंटा का इंतज़ार करते हैं। क्रिसमस ट्री। जब भगवान ईसा का जन्म हुआ था तब सभी देवता उन्हें देखने और उनके माता पिता को बधाई देने के लिए आए थे। उस दिन से आज तक हर क्रिसमस के मौके पर सदाबहार फर के पेड़ को सजाया जाता है और इसे क्रिसमस ट्री कहा जाता है। क्रिसमस ट्री को सजाने की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति बोनिफेंस टियो नामक एक अंग्रेज धर्म प्रचारक था। यह पहली बार जर्मनी में 10वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ था। अन्य परंपरा है कार्ड देने की परंपरा। दुनिया का सबसे पहला क्रिसमस कार्ड विलियम एंग्लो द्वारा 1842 में भेजा गया था अपने परिजनों को खुश करने के लिए। इस कार्ड पर